सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे, इस एल्बम के बारे में कैसे सोचा आपने, और क्या हमेशा एल्बम ही करना चाहते थे, और या शुरुआत किस तरह से करी सिंगल की? जब मैंने एक्टिंग कोर्स खत्म किया तो आई वॉन्ट टू बिकम ए हीरो हीरो, और उसके लिए फिर पहले मैंने सोचा कि एक म्यूज़िक वीडियो करता हूँ, म्यूज़िक एल्बम रोमांटिक, क्योंकि रोमांटिक म्यूज़िक वीडियो करेंगे तो अच्छे से एंट्री मिलेगा, उसमें थोड़ा रोमांस भी दिखेगा, परफॉर्मेंस दिखेगा, एक्टिंग दिखेगा, इसीलिए। और जब सॉन्ग सुना हमने तो इसका जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि एक ब्यूटी, एक इमेजिनेशन, ड्रीम सीक्वेंस, तो स्नेहा परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर दिस, ब्यूटी, ड्रीम, इमेजिनेशन। ओके स्नेहा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन मोमेंट ही अप्रोच यू फॉर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? सो व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी कम्स टू एन एक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, दे ब्रिंग यू द प्रोजेक्ट। आई डिडंट मीट केस, माय फर्स्ट मीटिंग आई डिडंट इवन सी हाउ ही लुक्ड। माय फर्स्ट मीटिंग अर्शिया, हु इज द प्रोड्यूसर, शी हिज वाइफ, she made me hear the song and that song made me say yes. After that I met KS, I think shoot pe na, yes, we met first, yeah. Yeah, on we shoot met. Only and then we just clicked. So basically the hero is the song. We both fell in love with it and that is why, yeah, that is why it touched 1 million in one day. It's the song. Agar song kharab hai, I don't think it would have, jitni bhi khoobsurati aap dalo to wo nahi chalega. Okay, KS, Salman ne bhi support kiya, kahin uske bare mein kya kehna chahenge, you know, उनका सपोर्ट करना कितना कितना पॉजिटिव रिस्पांस लेके आता है? सलमान ने सपोर्ट किया है? किया सलमान सपोर्ट? अच्छा, क्या बात कर रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। नहीं पता था सपोर्ट किया। We'll show you. But that's what सलमान is always full of surprises. Even my last film it didn't do well. That also बिना बोल के ही उसने ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया था। So in fact yesterday only we were at Panvel farmhouse. Farmhouse, so we spoke about the song. Sneha, while we were watching you on the big screen, you know, those flashback memories of Lucky No Time for Love, we can actually see it on the big screen. So you still think I look that young? of course. I guess most of the people sitting over here do relate to this thing. Thank you. Any memories that you would like to share with all of us while working on the project with KS and everyone? You know, every time I do something, because Lucky was so long back, and that film is what got me to y'all. And it was a very loved film. My character was very loved. So every time I do something new, I try and, you know, link something to Lucky where people connect and they like me and they remember me, because it has been a very long time. So even the scene part of Ishq Wali Barish, I wanted to go without makeup and, you know, in those little denim shorts, because I wanted the character to remind my fans of Lucky. So I always keep that very conscious. But it's good to know you guys still think I look back then. स्नेहा, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि सलमान का जन्मदिन था कल, और टाइगर जिंदा है, कैसी लगी आपको? आपने यू नो व्हाट, मैंने अभी तक देखी नहीं है, बिकॉज आई वॉज बिट अपसेट विद सलमान एंड आई वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू वॉच योर फिल्म अंटिल वी डोंट मीट, एंड देन ही कॉल्ड मी फॉर हिज बर्थडे, सो नाउ वी आर फाइन, सो आई एम गोइंग टू गो विद मॉम एंड डैड टुमारो। और आप प्रोड्यूस भी करने वाली है एक साउथ की फिल्म, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह की? सो आई एम अनटाइटल्ड है, या इट इज अनटाइटल्ड, सब बिगिनिंग स्टेजेस में है अभी, बट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टिंग आल्सो, सो फॉर मी एक्टिंग इज़ वन ऑफ द जॉब्स। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान को एक ही चीज़ करना चाहिए, सो आई वॉन्ट टू ट्राई प्रोड्यूसिंग, आई वॉन्ट ट्राई डायरेक्टिंग, एंड माई 5-year प्लान इज मुझे डायरेक्ट करना है। आई वॉन्ट टू लाइक कैमरा, अभी टैलेंटेड अगर हिट होगा तो मालूम पड़ेगा, बट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट, सो इट्स टू अर्ली टू से नाउ, एंड आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, आई एम वेरी सुपरस्टिशियस अबाउट माय वर्क, जितना आप मुंह खोल के बात करते हो उतना फिट जाता है, सो अनटिल मेरे हाथ में कंक्रीट है, देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल। Confirm the things, huh? सिंगल का हिस्सा होना ये कितना फायदेमंद होगा, यू नो, दो स्नेहा ऑलरेडी सेड कि म्यूजिक इतना अच्छा है, संगीत इतना अच्छा है, गाया इतना अच्छा गया है, सब कुछ इतना अच्छा था, बस स्नेहा मिला तो इसको समझ लो ना कि 5 years का किक स्टार्ट मिल गया एक साथ। ओह, है ना? नो, बट आई एम वेरी लकी, बहुत फायदा हुआ स्नेहा के साथ जुड़ने से, लोगों ने गाना अप्रोच किया जल्दी से, स्नेहा का नाम जानते हैं तो सॉन्ग भी आता है,
थैंक यू ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर एक्चुअली माई फैंस आई नेवर थॉट कि 1 million वन डे में मुझे मिलेगा बिकॉज बहुत आई एम अ वेरी रियलिस्टिक मैं जो भी है यू नो आई एम वेरी ऑनेस्ट तो टाइम हुआ है देर इज़ बीन अ गैप फॉर वट एवर पर्सनल रीजन्स बट वेन आई वॉज टोल्ड योर फैंस हैव वॉच्ड इट 1 million फैंस ऑफ योर्स हैव वॉच्ड इट इन वन डे आई वॉज लाइक दैट इज द पावर ऑफ लकी And still going very well. Yeah, touch wood. Do you think House of Battle is won once it is liked by so many people? Battle is never won. We have to keep working hard. We have to keep trying new things. We have to impress the media. We have to impress our fans. So every day is a new fight. The different things we have to give yeah. to the audience. Yeah. Like, just say, like party songs, happening songs, बहुत आ रहे हैं. तो अभी क्या है कि romantic song आया. तो public को लगा कुछ नया है, कुछ different. It's different. Romance है, dream sequence है. लोकेशंस अलग हैं कॉस्ट्यूम्स अलग हैं नो ढिंचक पार्टी 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 पर वो भी अच्छा है वो भी अच्छा है बट तुम्हारा प्लान वही है अभी हां नेक्स्ट प्लान हमारा वही है दिस गाय केस ना बहुत ही ढिंचा ढिंचा की आदमी है बट यहां पे एक अलग दिख रहा है ओके इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दो दो यू नो सिंगल इज लाइक बाय एवरीवन देयर इज देयर पॉसिबिलिटी यू कम टुगेदर इन अ फुल फ्लेश फिल्म यू नो अलोंग विद केस यस यस So there are, he's made plans, and he's not told me plan kya hai, but a very big company has backed him up after this song, so he's not told me anything yet, but there are plans. Yes. Good plans, surprise, good plans. When you came to the industry, you were looked at compared to Aishwarya. पर वो तो हमेशा रहेगा आई डोंट थिंक वो कभी जाएगा नो मोर चैलेंजिंग आई टेल यू वाई बिकॉज शी इज़ एन इंटरनेशनल सुपरस्टार And I never had a background. I came from school and came in front of films. You all know that story. So I used to always get that pressure ki, oh my God, they're comparing. But that's when Salman explained to me, they're comparing your looks to her. You don't have to get stressed about it. Abhi, you look like somebody who's very pretty. You look like somebody pretty. Abhi, you accept it and move on. Abhi, kaam karo aur kaam se dikhao abhi aap. So I have... It's never really... See, I'm not a very beauty conscious person, honestly. Like, मैं आईना के सामने नहीं बैठती हूँ मैं मेकअप वेकअप कुछ अनलेस रिक्वायर्ड मैं तो ही करती हूँ लाइक मैं लड़की की तरह बिल्कुल नहीं रहती हूँ सो टू लुक लाइक समबडी दैट ब्यूटिफुल मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन इन स्कूल एंड कॉलेज पीपल यूज टू से ओह शी लुक सो ब्यूटिफुल शी लुक्स लाइक ऐश्वर्या बट आई नेवर केयर्ड अबाउट ब्यूटी बिकॉज आई वॉज अ टॉम बॉय मैं अपनी गंजी और लूज जीन्स पहन के मैं निकल जाती थी घर से सो आई हैव नेवर रियली गिवन इम्पॉर्टेंस टू लुकिंग लाइक Aishwarya. Resolution तो हमेशा बनता है एवरी ईयर सो माई रेजोल्यूशन इज आई वॉन्ट बाय हाउसेज आई वॉन्ट बाय कार्स आई वॉन्ट टू गेट बैक टू बॉलीवुड इज माई फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज आई कीप गेटिंग आस्क्ड क्वेश्चंस कि वाई डिड यू डिसअपियर सो दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई वर्क आई नीड टू बी अवेयर जब मैंने शुरू किया I had a plan, so I want to complete that plan now. So that is my first and foremost resolution. You have been associated with the industry for more than a decade, SS. Yeah. So what you have experienced being... But you know what, I have not been active, na. The film came in 2005, but uske baad I was studying, films nahi kiya, phir graduation complete kiya, phir south mein chali gayi. So I have not really been a continuous 10-year actor. And if you have realized, main media events mein nahi jaati hu zyada. मैं पार्टीज़ में नहीं दिखती हूँ सो आई वॉन्टेड टू कीप माई फेस फ्रेश कि जब मैं वापस आऊँ पीपल डोंट थिंक अरे यार स्टेल हो गया है शी लुक्स फ्रेश नाउ सो आई दैट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन बट व्हाट यू फील बीइंग फ्रेंडली और गेटिंग एसोसिएटेड विद अ बिग नेम सलमान और एनी अदर स्टार डज इट हेल्प आउट इन गेटिंग एनी आई थिंक देयर इज एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज टू बी एसोसिएटेड विद समबडी बिग लाइक सलमान खान बिकॉज उतना प्रेशर भी है एंड देन व्हाट हैपेंस पोस्ट सलमान खान फिल्म You're confused. Like, I was a very confused child. I didn't know कि मैं superstar बन गई हूँ क्योंकि मैंने superstar के साथ काम किया है कि अभी मैं एक normal लड़की हूँ. I was always confused. So, I think both है, advantage है, disadvantage भी है. आपको भी ऐसा कुछ advantage और disadvantage feel होता है being associated with star like Sneha Ullal? No, सब कुछ खास नहीं. Depend, अभी तो starting है. ऐसा कुछ negative तो अभी तक हुआ नहीं है. बहुत काफी जिम किया डाइट अच्छे किया कीटोस डाइट किया पानी नहीं पिया नमक नहीं खाया क्रैम्प बर्दाश्त किया बॉडी के अंदर बट किया फेस पे नहीं आने दिया उसको
आपने इनको कितना सजेस्ट किया तीन एक्टिंग को लेके और आपने क्या-क्या सजेशन इनसे लिया? वो टाइम पे कुछ नहीं किया, आफ्टर दैट शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी. वो टाइम पे कुछ नहीं, बट आफ्टर द सॉन्ग हम लोग बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो गए, सो वी कीप शेयरिंग सजेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. सो Your plans? Goa? Goa? That is all. Simple. Abhi filhal to wahi plan kiya, uske aage koi plan nahi hai. Alright guys. Thank you so much. Thank you for coming guys. Thank you.